I know, आपने बहुत टाइप की मैगी खाई है, but today we'll be trying some मैगीज जिनका आपने नाम तक नहीं सुना होगा। तो आज हम खाने वाले हैं ऐसी बहुत सारी different flavors की मैगी जो कि मार्केट में अवेलेबल है, and a very special thanks to our subscriber अंश संचेती for suggesting this idea from हैदराबाद। Yes, and अभी मैं से रोका नहीं जा रहा, I love मैगी, ले आओ मैगी। मैगी ले आओ यार। मैंने गन से गन भंडार में भी मैगी बना के खाई है। तू और तेरी बहन भी क्या लड़ते थे मैगी के लिए बचपन में। तू कितने पैकेट खाता है एक टाइम में? कभी तूने मैगी सैंडविच खाया है? मैगी मेरी जिंदगी में तब था जब कोई नहीं था। It smells like pollen. मैं मजा आ गया। भाई यार, I think we need a palate cleanser. तो एक वोडका का पैक बना के दे दो। यार आई डोंट थिंक सो, इसको कोई नहीं पहचान पाएगा नीरज, ये तो वही टिफिन वाली मैगी है। मैगी इज माय सेकंड लव। फर्स्ट इज फर्स्ट बोलती तो बोलते पति कहाँ गया, वही तो मैगी बना के खिलाता है, वही तो बात एक्चुअली वही बनाता है मेरे लिए मैगी, और जब मैगी बनाता है ना वो एंटर ही नहीं करने देता किचन में किसी को। ये शादीशुदा लोगों का बता रही है, बट भाई ये जो बैचलर लोग है ना उनके लिए ये घर से दूर में मम्मी है। जब तुम खुद खाना नहीं बनाना आता ना तो ये बहुत काम आता है भाई, और तुम कैसी भी स्टेट में बना सकते हो। मतलब मैंने गन से गन भंडारत में भी मैगी बना के खाई है। बचपन से एक बच्चे ने बड़े होते तक खाई होगी ये मैगी। ये एक्चुअली वैसी टेस्ट कर रही है जैसे स्कूल में ठंडी होके हो जाती थी। अब स्कूलों में माइक्रोवेव होता है भाई, लोगों के ऐसा होता है कि आप टिफिन क्लास के एक एरिया में रख सकते हो, वो गर्म रहते हैं। वो तो हमारे यहाँ भी थे, तेरे में थे? मतलब स्टाफ रूम हमारे से स्टाफ रूम में होता था। टीचर्स ही खा पाते थे, बच्चे यहाँ दुखी वो खा रहे हैं पराठे ठंडे, टीचर्स अपना चाय समोसा और साथ में अपना गर्म टिफिन। मैं विद टाइम मैगी से थोड़ा दूर होता गया, पता नहीं क्यों। वो होता है ना एक टाइम बाद कुछ दोस्त होते हैं जो तुम्हारे बहुत टाइम तक अच्छे दोस्त रहते हैं, फिर तुम दोनों लाइफ में थोड़े बिजी हो जाते हो, तब मुझे लग रहा है मैगी सारी बहुत बिजी हो गई है। बट नहीं, मेरा तो भाई मैगी से अलग ही प्यार है। आई जेन्युइनली लव मैगी। मुझे कभी भी आप मैगी खिला सकते हो। This is a forever मैगी and I think मैं इसको कभी भी ऐसे नंबर दे ही नहीं सकती। मुझे प्यार है मैगी से भाई, ये मेरे लिए this is 10/10। Wow, गिरीशा starting में 10 नंबर आज। Respect, that's the love. That's the love for me. अब मैं परेशान में आ गया हूँ, but I think मैं nostalgia के चक्कर में मैगी को I'll rate this 8. मुझे मैगी से प्यार बहुत है, लेकिन ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है एक स्कैम है आटा मैगी वालों के लिए। नहीं भाई, मैं बताता हूँ तुझे, जैसे मैं पिछली मैगी के लिए बोल रहा था ना कि तू मुझे ना घर का टेस्ट के लिए बोलता है सब्जी वब्जी कटी होनी चाहिए क्योंकि मम्मी थोड़ी मेहनत करती है। हाँ, बट नहीं, मैं स्कैम ऐसे बोल रही हूँ कि मैदा ये भी है, इसमें आटा मैगी बोला जाता है, बट अगर तू पढ़ेगा इसके इंग्रेडिएंट्स, दिस इज मैदा, इसमें आटे की क्वांटिटी बहुत कम रहती है, मेजरली इट्स मैदा ओनली। मेरे को मतलब ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जो फ्री की सब्जी है उसमें खा रहा हूँ मैं। भाई हमारे घर में तो लड़ाइयाँ छिड़ गई थी जब आटा मैगी आई है ना, मेरे पापा ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया, नॉर्मल मैगी तो आएगी नहीं इस घर में। मुझे ना कई बार ना आटा मैगी बहुत ही घटिया लगती है बनी हुई, कभी तो मुझे ऐसा था इसके बाद से ना मैं कोई खाऊंगी नहीं, कभी मेरे हाथ की आटा मैगी खिलाऊंगा मुझे, ठीक है? देखती हूँ कब खिलाएगा। मैं तो भाई तुम्हें सब कुछ ऐसे एक बैचलर के एंगल से बता रहा हूँ क्योंकि मैगी मेरी जिंदगी में तब था जब कोई नहीं था। नहीं, बट ये मुझे मैगी बहुत पसंद है भाई, ये बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी बनी है। I rate this 9, loved it. I'll also rate this 9. भाई अब ये मैंने कभी नहीं खाई, ये है आटा मैगी विद स्पिनिच। मैं बता रहा हूँ, बहुत बार मैंने ये बोला है कि पोपाय वैसे बहुत कूल था बट सबसे बेकार चीज खाता था भाई, पालक पे सिम कर रहा है। तुझे पालक पनीर भी नहीं पसंद? नहीं, आई लव इट। अब भी हुआ है परसों कि मम्मी ने भी पालक पनीर बना देते, मेरे लिए नॉर्मल एक पनीर की अलग सब्जी बना देती है, तो मम्मी थोड़ी सी पालक पनीर देती है कि ज्यादा तो खाएगा नहीं, उसमें भी थोड़ा मैं पनीर लेके पालक छोड़ देता हूँ और बाकी पनीर की सब्जी। यही हाल है सबका, सब्जियां तो खानी ही नहीं है। ओह वाओ, आई साउंड लाइक माय मॉम। या यू साउंड लाइक माय मॉम एज़ वेल, बट ओके। It smells like पालक। इसमें ये ग्रीन कलर पालक की वजह से आया है, इन्होंने कोई कलर ना डाला हो। पालक नाम की चीज को तुम पसंद भी कैसे कर सकते हो, नाम ही कितना बोरिंग है पालक। नहीं, पालक की तो नहीं आ रही है यार। I like it. It's basically आटा मैगी only यार। What is wrong with you? पानी दे दो मुझे प्लीज। देख रही है, बिना पालक के बिना स्पेक्स के कैच कर लेता हूँ, क्यों खाऊं मैं पालक।
एक रीजन मेरा ये भी था पालक शुरू करने का कि मेरे को ऑब्वियसली स्पेक्स लगी हुई थी और मेरे घर वाले बोलते थे अगर तू पालक खाएगी तो तेरा नंबर कम हो जाएगा. अब तक नहीं हटे तेरे स्पेक्स. नहीं हटे. ये बस कॉन्टैक्ट पहन के घूम रही है, इसको लग रहा है स्पेक्स हट गए पालक से. देखो सीधी सी बात है, मुझे तो बहुत पसंद आई है एंड दिस इज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट फॉर मी. भाई मैं तीन नंबर दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी जिसको पसंद आती है वो खा लेना. इसने मैगी भी खराब कर दी, ठीक है? आई थिंक इट एक्चुअली फील्स लाइक जो मैंने मम्मी को पालक पनीर में पनीर लेके वो छोड़ दिया था ना सूप, उसमें इन्होंने मैगी बना दी. यार मुझे जेन्युइनली इसमें नहीं टेस्ट आया पालक का और तो, मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है पालक नहीं खाती, तुझे पालक नहीं पसंद है, तुझे पता नहीं. मैंने परसों रात को खाया है पालक पनीर, वो भी इतना टेस्टी. लेकिन ये मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी दोबारा. एंड ये ले दोबारा. भाई आज बहुत सारी मैगी खानी है एंड आई विल रेट दिस 8 out of 10. नेक्स्ट आ गई है मैगी जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दिस इज अ न्यू फ्लेवर जो मैगी ने अभी लॉन्च किया, दैट्स बारबेक्यू. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोरियन नूडल्स बहुत कम खाए हैं और मेरा अभी उतना टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है एंड मैगी वालों ने निकाली है तो मैंने इतना कोरियन खाया कि कोरियन लोगों को लग सकता है कि मैं लोकल हूँ. इसमें आई थिंक नहीं, थोड़ा थोड़ा जला जला नहीं है ये, शायद इसकी सॉस की ऐसी है, ऑयल का सॉस. ये बूदोक सैमयंग करके आती है वो, जिसमें वो लेवल लेवल वाला होता है उससे अच्छी लग रही है मुझे एटलीस्ट. शायद अब से मैं खाना शुरू भी कर दूंगी उतना, मैं उतने मजे से नहीं खाती थी. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को अगर नूडल खाना है तो मैं मैगी खाऊंगी नॉर्मल. सो गुड, मजा आ गया. बढ़िया तो है बट बहुत बिच्ची है. बहुत बिच्ची है. तू और तेरी बहन भी क्या लड़ते थे मैगी के लिए बचपन में? बहुत. हम तो बहुत लड़ाई करी. मैंने भाई स्कूल में भी बहुत लड़ाई किया. देखो हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, मैगी अगर बनी मैं और मेरी बहन प्लेट्स पकड़ के ऐसे ऐसे देखते थे कौन सी वाली भारी है और जिस मैं तो ऐसा भी करता था कि अगर मैं पहले पहुंच गया और दीदी पहुंचे आ रहे तो मैं थोड़ी बहुत उसमें से चुरा ले रहा. मैं भी ऐसे करती थी और चुरा के ना तुम एकदम अपनी तरफ चले जाओ टीवी के पास और चुपचाप थोड़ा थोड़ा खा लेता कि प्लेट बराबर है. दिस डिजर्व्स 9 out of 10. 10 out of 10. हाँ भाई हमने बहुत बढ़िया मीठा मीठा कुछ पी लिया तो ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा. ये पता नहीं क्या कर रही है बट नेक्स्ट मैगी आई है. मुझे लग रहा है मैं पता नहीं, आई वाज लिविंग अंडर अ रॉक बिकॉज मुझे पता नहीं ये सब मैगी आ गई. मंचूरियन मैगी है. मैंने ना ये ट्राई करी है बट आई डोंट रिमेम्बर द टेस्ट एग्जैक्टली. देखो इसका नाम है स्पाइसी मंचूरियन. पिछले वाले के बाद ये स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं है ना, पता भी नहीं चल रही खट्टी क्यों है यार. मंचूरियन मंचूरियन खट्टा तो नहीं होता. ये मंचूरियन जैसा भी नहीं लग रहा वैसे पता. कुछ नहीं है इसमें. नो वंडर यू डोंट रिमेंबर द टेस्ट ऑफ इट बिकॉज ऐसा कुछ डिस्टिंक्ट या कुछ अलग नहीं है. आई डोंट नो व्हाई दे आर कॉलिंग इट मंचूरियन बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्होंने चाइनीज फ्लेवर डाल दिया तो दे थिंक वो सब मंचूरियन हो जाएगा. ऐसा नहीं होता. मंचूरियन भी नहीं है. इनफैक्ट अगर इन्होंने चाइनीज फ्लेवर डालने की बात करी है इसमें वो भी मुझे कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है. मुझे नहीं अच्छी लगी है टू बी ऑनेस्ट. मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैगी नूडल्स कैन नेवर गो रॉन्ग बट यहाँ पे गलती हो गई. दे हैव गॉन रॉन्ग. इसका कोई कैरेक्टर ही नहीं है. समझ ही नहीं आ रहा ये क्या रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे. पालक से फिर भी बेटर है सो आई विल रेट दिस 5. 4 out of 10. This looks nice. I am excited about it. This is spicy garlic noodles. This one I am also thinking because मुझे garlic बहुत पसंद है. मैं taste करने से पहले मैगी को sorry बोलना चाहता हूँ. मैं आपसे बहुत दूर हो गया but now I'll be closer to you. मुझे पता ही नहीं था ये सब बन गया भाई. This tastes like जो हमने कोरियन खाई थी अभी थोड़ी थोड़ी. क्या अच्छी है. ये पिछली बार इससे ज़्यादा चाइनीज़ है. हाँ. वो मंचूरियन चाइनीज़ के पास नहीं था. This is still better और इसमें taste है. मुझे पता है कैसी लग रही है. दिस इज एक्चुअली लाइक हॉट गार्लिक सॉस में तुम वेजिटेबल्स लेते हो या चिकन लेते हो. इसमें और थोड़ी सब्जियां डाल दोगे तो मजा ही आ जाएगा. जैसे मशरूम्स. वो आटा आटा मैगी वाली वेजेस डाल दो भले. नहीं इसमें डालेंगे हम मशरूम्स, बेल पेपर, जुकीनी. यार एकदम मैगी क्यों बोल रहे हो फिर उसको कुछ एलियो एलियो वो बोलना भाई. ये क्या भाई ये बहुत अच्छे है. वर्स्ट पार्ट मैगी के साथ क्या होता है. आई डोंट नो व्हेन टू स्टॉप. I was about to say this, यार रुका ही नहीं जाता यार. आपको लगता है कि चलो कोई नहीं अब खत्म. तू कितने पैकेट खाता है एक टाइम में? गिन ही नहीं पाया. मेरा 2 से नीचे पेट ही नहीं भरता अगर 2 पैकेट ना खाऊं एक बार पे. और आजकल तो ऐसा हो गया कि 2 पैकेट बनाने के बाद मैंने जो 4 वाला पैकेट होता है उसको जो नीचे चूरा होता है मैं वो भी डाल लेती हूँ तो थोड़ी और क्वांटिटी बढ़ जाती है उसकी. ये मुझे पिछले वाली से बहुत ज्यादा अच्छी लगी. आई थिंक I'll rate this 10 also because what? Yeah because it is really good dude. I'll rate this 8 out of 10.
नेक्स्ट आ गई है स्पेशल मसाला मैगी एंड आई डोंट नो व्हाट स्पेशल अबाउट इट बिकॉज़ इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक हमारी मैगी लेकिन तू ये देख रहा है ऊपर जो लाल लाल या कुछ कुछ हरा हरा दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट स्पेशल मसाला इट स्मेल्स अ बिट डिफरेंट एज वेल आटे जैसी नहीं है आटा मैगी जैसी खुशबू है डोंट यू थिंक हमें वो मैगी बारबेक्यू वाली खाने के बाद हमें फीका लगने लग गया सब कुछ ये मेरी जीप जला दी उसने हाँ यार मेरी भी जलाई है आई थिंक वी नीड अ पैलेट क्लींजर सो एक वोडका का पैक बना के दे दो ऐसे पीऊंगी बट आई डोंट नो आई डिडंट लाइक इट ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं मतलब ये या तो हमने बनाई बहुत गंदे तरीके तो क्या हो रहा है सेम ही भाई साहब ने बनाई है इवेंचुअली बनाते बनाते अननॉय हो चुका है इतनी मैगी कौन खाता है करके कभी तूने मैगी सैंडविच खाया है हां जब बहुत भूख लग रही होती है मैंने मैगी पराठे में डाल के खाई है पराठे में भी मैगी यू हैव नेवर मेड अ मैगी रोल मतलब ऐसा मैगी की डाला मैंने मैगी सैंडविच जरूर खाया ब्रेड लिया ऐसे कच्ची बिना सेके उसके अंदर मैगी रखी और खा ली बिकॉज बहुत भूख लगी है एंड मैं तो हॉस्टल में रही हूँ और हॉस्टल और मैगी की स्टोरीज बहुत होती है बिकॉज इलेक्ट्रिक कैटल होती है भाई हॉस्टल में लोगों ने लॉन्डन ने किस किस चीज में मैगी बनाया तुम सोच ही नहीं सकते भाई हाँ हीटर होते थे इलेक्ट्रिक केटल्स होती थी उसके ऊपर वो रॉड वाला हीटर होता था उसके ऊपर हाँ, गरम करते थे कई बार वो ऐसा होता था कि कई बार लाइट भी चली गई हॉस्टल की क्योंकि वो शॉर्ट सर्किट हो जाता था वो हीटर भाई यार विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई थिंक आई विल रेट दिस 4 आई विल रेट दिस 5 बहुत ही प्यार करती हूँ मुझे इतनी पसंद है ना मैगी एंड आई एम थैंकफुल टुडे कि मैं इस वीडियो में इसका हिस्सा हूं इस वीडियो का आई एम आल्सो थैंकफुल टू टीओजी बिकॉज़ आज मेरा पैचअप हो गया मैगी से मेरा तो प्यार था ही इसका प्यार वापस आ गया दैट्स द एंड टू दिस फन वीडियो आई होप यू लाइक दिस वीडियो सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन कमेंट डाउन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड गाइस कमेंट्स में प्लीज लिख देना अगर हम कोई भी मैगी का फ्लेवर भूले हैं तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे और गाइस जैसे अंश संचेती ने हमें इतना ब्रिलियंट आइडिया दिया आप भी अपने आइडियाज देने मत भूलना डिस्क्रिप्शन में लिंक है अपने आइडियाज वहां दे दो यार ऑल्सो अगर आपने लिस्ट बनाई दी है तो वो लिस्ट लेके आ जाना 24th February को हम मिलते हैं दिल्ली NCR के मीटअप पे TUG फैम मीट भूलना नहीं है गाइस जो भी आपके दिल्ली NCR में दोस्त हैं उनको जल्दी जल्दी बोलो कि आएंगे हमसे मिलने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस फॉर्म में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अपनी डिटेल्स भी भर देना सी बाय सूट सिलवाने जा रहा हूं मैं बाय